हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज और देखेंगे जिंक आज क्या होने वाला है उसका ऊपर भी बात कर सकते हैं बात करेंगे हम कहां पे एंट्री कर सकते हैं और कहां हम एग्जिट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जिंक डेली 4 आवर चार्ट मैंने लिया और जिंक का पिवट पॉइंट 187.13, फर्स्ट रेजिस्टेंट 188.36, सेकंड रेजिस्टेंट 190.18, थर्ड रेजिस्टेंट 191.41, फर्स्ट सपोर्ट 185.31, सेकंड सपोर्ट 184.08 एंड थर्ड सपोर्ट 182.26। तो ये हो गया डेली चार्ट और आप देख सकते हैं जिंक, मैंने पहले आपको बताया था जिंक एक पैटर्न फॉर्म करने वाला है तो वो पैटर्न के लिए आप वो पैटर्न फॉर्म करने के लिए ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट नीचे आके ऊपर हायर लो लोअर लो एक बनाया, लोअर हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर लो बनाया तो मार्केट फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था तो रेजिस्टेंस लाइन से फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। तो नीचे कितना तक आएंगे इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट प्रीवियस कनेक्ट किया हुआ टच करके एक सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ किया। तो सपोर्टिंग लाइन अराउंड आपका 181.45 में आ रहा है तो 45 से आ रहा है। तो जब मार्केट यहां से आके ऊपर जाने का चांस, ऊपर जाने का चांसेस है और जब ऊपर जाने का जाएगा तो एक हेडन सोल्जर एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए ये पहले ही आपको थोड़ा बहुत पता चल सकता है ये कौन सा पैटर्न फॉर्म करने के लिए ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडन सोल्जर पैटर्न फॉर्म करने के लिए ले रहा है डेली में। तो अगर आपने डेली में सेल करना स्टार्ट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 181 तक ही सेल ले सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ से एक सपोर्टिंग लेवल है, यहाँ से फ्यूचर मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो अगर हम 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट या 15 मिनट कोई भी हो, मैं एक 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 30 मिनट में भी आप देख सकता है और 1 आवर में भी देख सकता है। यहाँ पे चलो 1 आवर में आप देख सकते हैं मार्केट नीचे क्यों आएगा। तो उसका ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन जो मेथड है, प्राइस एक्शन की मेथड से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, यह प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन जो स्टोकेस्टिक फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं स्टोकेस्टिक कंटिन्यूअसली नीचे फॉर्म हो रहा है। जब मार्केट प्राइस ऊपर रहता है ऐसे और स्टोकेस्टिक आप नीचे रहता है राइट तो इसका जो ये साइन होता है, इसका साइन होता है मार्केट नीचे आने का राइट। तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आएगा लेकिन मार्केट कहाँ तक आ सकता है। तो इसलिए मैंने एक प्रीवियस सपोर्टिंग जोन टच करके एक सपोर्टिंग रेंज निकाला जो सपोर्टिंग रेंज है 181.45। तो मार्केट नीचे भी यहाँ तक आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा बहुत नीचे बाद में ब्रेकआउट और यहाँ से आएगा और डेली बेसिस में ये होगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा यहाँ से राइट। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है यहाँ पे राइट डेली में। तो ये हो गया जिंक का। तो अगर आप एंट्री करना चाहता है तो मैंने यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट में और जो भी हो आप ट्रेडिंग करना चाहता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लगता है मार्केट नीचे आने का चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एक जो ये 20 मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग हो रहा है तो अगर आप वेट भी कर सकते हैं थोड़ा ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से पुल अप होगा, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर आएगा। जब 20 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो यहाँ से आप सेल करके थोड़ा ऊपर बहुत इसका ऊपर एसएल लगा के आप मार्केट नीचे के लिए छोड़ सकता है ठीक है। तो ये हो गया जिंक का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज के लिए। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।